बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर आने के बाद रुबीना दिलाइक के सितारे बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। बिग बॉस 14 के विनर बनने के बाद रुबीना की फैन फॉलोइंग में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। रुबीना दिलाइक के पास फेम के साथ साथ काम की भी कोई कमी नहीं है। बीते कुछ समय से खबरें आ रही हैं कि रुबीना दिलाइक सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में वापसी करने जा रही है। गिरती टीआरपी के मद्देनजर मेकर्स ने रुबीना दिलाइक को अप्रोच किया था। इसी बीच खबर है कि रुबीना दिलाइक ने सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में धमाकेदार एंट्री की है। यहाँ मजेदार बात यह है कि रुबीना दिलाइक एक या दो एपिसोड्स के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपने पुराने शो में वापस लौट रही हैं। जल्द ही सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में लंबा लीप आएगा। इस लीप के बाद रुबीना दिलाइक एक अलग अंदाज में अपने फैंस से मिलने पहुंचेंगी। जी हाँ, सही सुना आपने, खुद रुबीना दिलाइक ने भी इस खबर पर मुहर लगा दी है। कुछ समय पहले ही रुबीना दिलाइक ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रुबीना दिलाइक ने कहा, मैंने सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास को पूरे 6 साल दिए हैं। ये शो मेरे लिए बच्चे की तरह है जिसे मैंने पाला है। शो की कहानी एकदम नहीं बदली जा सकती। ऐसे में मेकर सीरियल शक्ति में लीप लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। किसी शो का मेन लीड होना आसान नहीं होता। शो की कमान आपके हाथ में होती है। आपको अपने हिसाब से शो को आगे बढ़ाना होता है।